वेलकम बैक टू माई चैनल एडवेंचर लाइफ ऑन व्हील्स। आज है सैटरडे और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ क्या करूँ। ऐसा आज कुछ काम भी नहीं है, थोड़े बहुत घर के काम थे वो भी निपटा लिए। सब सोच रहा था कि क्या करूँ आज, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, राइड करूँ। कुछ दोस्तों से पूछा जो मेरे राइडर फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल्सो बिज़ी, लाइक उनको कुछ काम था, कोई मुंबई के बाहर है वीकेंड पे। तो अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। काफ़ी लंबा नहीं जाना है, बट सोच रहा हूँ कि कुछ एक 50-60 किलोमीटर का छोटा सा राइड कर लूँ और एक वीडियो अपलोड कर लूँ यूट्यूब चैनल पे और व्लॉगिंग कर लूँ। सो समझ नहीं आ रहा कौन से जगह पे जाऊँ जो 50-60 किलोमीटर हो और जो मैं 1.5 घंटे में कवर कर पाऊँ और थोड़ा टाइम उस जगह पे स्पेंड किया और फिर वापस आ गए। सो मुझे सोचने दीजिए, चेक करता हूँ गूगल में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ मैं राइड कर सकता हूँ आज, जो ज़्यादा लंबा नहीं हो। और फिर जब मैं निकलता हूँ तो व्लॉगिंग शुरू करता हूँ, देखते हैं फिर। सो गाइस, जैसे कि मैं घर पे डिसाइड कर रहा था कि कहाँ राइड करूँ, तो फाइनली आई डिसाइडेड टू मैं राइड करूँ पेलहार डैम तक। मेरी सांसें फूल रही है क्योंकि मैं काफ़ी पैदल चल के आया। अभी एक्चुअली डैम के अंदर बाइक्स अलाउड नहीं है, सो जिसके चलते बाइक्स को बाहर रख के थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। बट वेन यू कैरी योर बैग, हेलमेट, गोप्रो, सेल्फी स्टिक, योर माइक एंड देन यू हैव टू क्लाइंब, आई थिंक थोड़ा हैवी हो जाता है, बट आई थिंक आई एम फाइन नाउ। सो दिस प्लेस इज़ नोन एज द पेलहार डैम, सो यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी। देर आर सम गाइज फ्रॉम द विलेज हू आर हैविंग सम फन विद फ्रेंड्स। वेरी नाइस प्लेस, अ वेरी नाइस व्यू, नॉट वेरी फार फ्रॉम थाने। It's around say about 40 kilometers and it took me around 1 hour and 10 minutes to reach. So I'll just show you the place, 360 view. So this is how the place looks. Short ride, as I mentioned beginning of the video, ज़्यादा कुछ था नहीं आज करने को और मेरे सभी friends busy थे, and मैं सोचा चलो दोपहर में एक घंटे का short ride कर लेता हूँ थाने से। So I look for places and देखा तो पहला dam एक था जो मैंने कभी ride किया नहीं था, so मैंने सोचा चलो ride कर लेते हैं, तो कर लिया। एंड मैंने बाइक बाहर रखा है। एंड वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर बाइक अंदर लाना है तो शाम के 4 बजे के बाद उन लोग बाइक्स अंदर लाने देते हैं, उसके पहले बाइक्स अलाउड नहीं है इनसाइड में। यूजुअली पहले अलाउड था, बट आई थिंक सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि नगर पालिका ने बंद रखने को बोला है एंड ओनली शाम को 4 बजे खुलता है। आई डोंट नो द रीज़न एंड व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज अगर शाम को 4 बजे खुल सकता है तो अभी भी खुलना चाहिए। सो वेरी नाइस प्लेस, आई विल शो यू अ क्लोजअप व्यू। सो गोइंग फर्दर अप टूवर्ड्स द मेन डैम ऑन द हाइट and thought of taking a view from there, so I've climbed up again, so you can see the 360 view from here.
Very calm, very beautiful place. Hardly any people around. And I actually look for places which are like this. यहाँ पे नेट्स लगा दिया है एंड आई थिंक देयर वर फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू सिट ओवर दीज रेलिंग्स एंड फॉलिंग बिहाइंड सो आई थिंक दे हैव टेकन अ गुड कॉल ऑफ पुटिंग दीज नेट्स बिकॉज आई नो ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग सेल्फी और सेल्फी लेने के चक्कर में लोग कुछ भी करते हैं एंड देन फिर एक्सीडेंट हो जाता है सो आई विल जस्ट शो यू द व्यू फ्रॉम हियर The view is amazing. The water is very clean. And I'm the only person here. शायद पागल लोग ही ऐसे दोपहर को राइड करते हैं और मैं शायद उन पागलों में से एक हूँ But I like coming to new places always. सो दिस वॉज अ शॉर्ट राइड काफ़ी छोटा राइड था थाने से पेलहार डैम तक बट काफ़ी अच्छा राइड था ट्रैफिक नहीं था ज़्यादा द बेस्ट पार्ट दोपहर में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है एंड दो तीन दिन से मुंबई में क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है वी आर गेटिंग अ वेरी कूल ब्रीज थ्रू आउट द डे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ब्रीज है जिसके चलते गर्मी बिल्कुल नहीं हो रहा आपने देखा होगा मैंने अपना राइडिंग जैकेट निकाला नहीं है विच मीन्स कि गर्मी नहीं है वरना इस जैकेट को पहन के धूप में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है 40 किलोमीटर थाने से जो भी बाइक राइड्स करते हैं या जो बाइक राइड्स नहीं भी करते हैं अगर उनको ड्राइव करके आना है तो भी आ सकते हैं डैम के बाहर काफ़ी स्पेस है जहाँ पे कार पार्क हो सकता है एंड देन यू जस्ट हैव टू वॉक 10 मिनट्स टू रीच द डैम काफ़ी शांत जगह है आओ टाइम स्पेंड करो दोस्तों के साथ बाइक राइड्स सो अमेजिंग प्लेस यू कैन टेक द बाइक क्लोज टू द वाटर ऑल्सो अगर 4 बजे के बाद आओ जो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि 4 बजे के बाद क्यों और दिन के टाइम या दोपहर में क्यों बाइक्स अलाउड नहीं है अंदर बट ठीक है जो भी है मैं बाइक अंदर नहीं ला पाया मन काफ़ी था अपने डोमिनर को अंदर ला के पिक्स क्लिक करने का बट हो नहीं पाया बट ठीक है काफ़ी पिक्स क्लिक किए हैं पहले और आगे भी करेंगे राइड्स तो होते रहेंगे वीकेंड्स पे और बस अब मैं यहाँ से निकलूँगा 5 मिनट में एंड डायरेक्ट घर जाऊँगा सो आई थिंक बाई 3-3:30 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँ और मैंने राइड करीब 1 बजे के आसपास स्टार्ट किया था सो आराम से आया थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ और अब बैक होम सो Guys, I hope you are enjoying the videos which I have been uploading. My channel is pretty new. It's just been a month. एक महीना हुआ है मुझे चैनल चालू करके मैंने कुछ राइड्स गुजरात वैतरना लेक इगतपुरी और कुछ बाइक्स के टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे जाके और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी कमेंट्स है या आपको कुछ जानना है प्लीज़ राइट इन योर कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू यू सो टेक केयर गाइज वंस अगेन Please subscribe to my channel और notification bell icon अगर hit नहीं किया है तो please करिए so that मैं जब भी कोई video upload करूँ आपको वो notification मिल जाए और आप वो video देख सकें So take care, enjoy guys, have a great weekend, see you on my next video, take care.